हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हलवा, चना और पूरी, नवरात्रि स्पेशल, जो स्पेशली नवरात्रि में अष्टमी या नवमी में बनाया जाता है और माता रानी को भोग चढ़ाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चने लिए हैं, जो काले चने होते हैं जिसे देसी चने कहते हैं, उसे रात भर धो के भिगो दिया था। उसके बाद उसका पानी निकाल कर अभी मैं इसे डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। फिर इसमें हम डालेंगे सफिशियंट पानी और नमक, यहाँ पे मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। उसके बाद इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि चने पूरी तरीके से नहीं पक जाते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं आटा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून सेंधा नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा घी। घी डालकर उसके बाद इसका हम लोग एक नरम आटा बना के तैयार कर लेते हैं। आटे को अगर हम लोग पहले से गूंथ कर रखेंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, तो पूरियाँ बहुत सॉफ्ट बनेगी और बहुत अच्छे से बनेगी। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका नरम आटा बना के रख लूँगी। और चने उबालते समय भी पहले हमें 1 सीटी आते तक गैस का फ्लेम हाई रखना है, उसके बाद मीडियम हाई फ्लेम पर 3 सीटी आते तक या तब तक पकाना है जब तक कि चने पूरी तरीके से पक नहीं जाते। अब हमारा आटा रेडी है। अब इसको ढक कर मैं रख रही हूँ साइड में। अब हम बनाते हैं हलवा। तो सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी। सूजी डालकर पहले हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद इसमें घी डालेंगे। ऐसा करने से घी भी कम लगेगा और हलवा भी खिला खिला बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो अब यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। वैसे 1 कप सूजी में 1/4 कप घी लगता है, बट इस तरीके से अगर हम भुनेंगे तो घी थोड़ा कम लगेगा। तो अभी मैंने 4 टेबलस्पून घी डाला है। घी डालकर इसको तब तक भुनेंगे जब तक कि सूजी अच्छी तरीके से भुन नहीं जाती है और इसमें से खुशबू नहीं आती है और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून घी डाला है। आपको अगर लगता है कम है तो आप थोड़ा सा और घी भी डाल सकते हैं। अब सूजी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर किशमिश, काजू, बादाम और चारोली हैं, और थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख रही हूँ। इस तरीके से सूजी के साथ अगर हम लोग ड्राई फ्रूट भूनते हैं तो अलग से हमें भुनने की ज़रूरत नहीं है, ये सूजी के साथ अच्छे से भुन जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। अब सारी चीज़ें एकदम अच्छे से भुन गई है, सूजी भी एकदम अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर यहाँ पर मैं 1 कप से थोड़ा कम डाल रही हूँ। वैसे 1 कप सूजी में 1 कप शक्कर लगता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सूजी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब शक्कर डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। अब पानी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। इसी कप से मैंने सूजी भी लिया था और पानी हमें गर्म ही डालना है। गर्म पानी डालेंगे तभी हमारा हलवा अच्छा बनेगा। और खिला खिला हलवा बनाना है तो 1 कप के लिए 1 कप पानी, अदरवाइज़ आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब पानी डालने के बाद इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसे ढक कर मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि हलवा पूरी तरीके से पक नहीं जाता है और इसमें का जो पानी है पक नहीं जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा ऑलमोस्ट बन गया, बहुत अच्छा भी दिख रहा है और ये पूरी तरीके से पक भी गया। अगर आपको खिला खिला बनाना है तो आप 1 कप के लिए 1 कप पानी डालिए, जैसे कि मैंने पहले बताया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कूटी हुई इलायची। डालकर इसे एक बार हम अच्छे से और मिक्स करेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस हमारा हलवा भी बन गया है। अब हम देखते हैं चने। चने को 4 विजल आते तक पका लिया था, फिर जैसे इसका प्रेशर निकल गया उसके बाद ओपन करके मैं चेक कर रही हूँ तो चना एकदम अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको एक छन्नी में डालकर साइड रख दे रही हूँ। अब मैंने लिया है एक बाउल, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, उसके अलावा ये है आमचूर पाउडर, ये 1 टीस्पून है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून है और ये है जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका मैं एक पेस्ट बना ले रही हूँ। अगर हम मसाले सूखे इसी तरीके से डालेंगे तो कढ़ाई में जल जाएंगे और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इस तरीके से अगर हम लोग पेस्ट बना के रखते हैं तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और जलेगा भी नहीं। अब मैंने पानी डालकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने एक और पैन रखा है और उसमें 2 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल डाला है, फिर थोड़ा सा हींग, 1/2 टीस्पून जीरा और कटी हरी मिर्च डालकर मैं इसको थोड़ा सा भून ले रही हूँ। उसके बाद घिसा हुआ अदरक, ये भी 1 टीस्पून है, डालकर अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ
पेस्ट जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले बना लिया था डालकर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है, अदरवाइज हमारे सारे मसाले जल जाएंगे। बाउल में थोड़ा सा मसाला लगा था तो उसको भी मैं थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके पैन में डाल रही हूँ। डालने के बाद धीमी आंच पर इसको अच्छे से भुनना है, अगर गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो मसाले जल जाएंगे। अब उबले हुए चने को मैंने छन्नी में डाल लिया था, वो चने मैं इसमें डाल रही हूँ। चने में से पूरा पानी निकलना ज़रूरी है। अब चने डालकर इसको हम लोग मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो चने में अच्छे से लग जाए। उसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सेंधा नमक डाल रही हूँ। हमने नमक पहले भी डाला था चने उबालते समय, तो आप नमक थोड़ा देख कर डालिए। उसके बाद ढक के मीडियम हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट तक पका लेते हैं ताकि जो मसाले हैं, नमक है, सारी चीज़ें चने में अच्छे से लग जाएँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया। बस हमारे चने भी बन गए। अब हम देखते हैं आटा। आटे को मैंने आधे घंटे रेस्ट होने रख दिया था। आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक बार और अच्छे से हम लोग मिक्स करके इसके बॉल्स बना लेते हैं। जिस साइज़ के पूड़ी बनाने हैं उस अकॉर्डिंग हम इसके बॉल बना लेंगे। तो मैं पूड़ी यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ ना बहुत ज़्यादा छोटा, तो मैंने मीडियम साइज़ का एक बॉल बना लिया है। बॉल बना के प्लेट में रख रही हूँ। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेते हैं। अब सारे बॉल बन गए हैं और मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया है। और ये है पूड़ी प्रेस करने वाला मशीन, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे अच्छे से तेल लगा लेते हैं। तेल लगाने के बाद एक बॉल लेकर इसको भी हल्का तेल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इस तरीके से प्रेस करना है। बस हमारी पूड़ी बनके रेडी है। आप चाहो तो बेल कर भी बना सकते हैं, बट मुझे ये तरीका आसान लगता है। आपको जो मेथड ईजी लगे आप वैसे सारे पूड़ी बना लेना। अब पूड़ी भी बन गए हैं और तेल भी गर्म हो गया, तो इसमें मैं एक पूड़ी डाल रही हूँ और गैस का फ्लेम मीडियम हाई है। अगर आटा अच्छे से सेट हो जाता है तो हमारी जो पूरी है वो हल्के से इस तरीके से प्रेस करते साथ ही वो फूल जाती है। बस हमारी पूड़ी भी बन गई है। मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में और इसी तरीके से हम लोग सारे पूरी तल लेंगे। और ध्यान रहे पूरी तलते समय गैस का फ्लेम मीडियम रहना चाहिए, ना ही स्लो ना ही बहुत ज़्यादा हाई। तो इस तरीके से मैंने बाकी सारे पूरी भी बना लिए हैं। तो अब हमारे पूरी भी बन गए हैं, हलवा भी बन गया है और हमारे चने भी बन गए हैं। अब मैं माता रानी को भोग लगाने के लिए निकाल रही हूँ थाली में। तो आप भी ये चना, हलवा और पूरी ज़रूर बनाइए। और अगर आपको ये भोग की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।